मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, इसलिए अगले 7 दिन में मैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तरीके यूज करने वाला हूँ जिनके बारे में तुम लोगों ने कभी सुना भी नहीं। तो देखो, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज बनाया जहाँ पे मैं ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड की रील्स डालने वाला हूँ। तो अब इसको ग्रो करने के लिए मैं इस पे हर रोज रील्स डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे। इसलिए अब हम लोग नए नए तरीके यूज करेंगे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अब बारी है नए नए मेथड्स। तो तुम लोगों ने ऐसे बैनर्स तो हर जगह देखे होंगे, बेसिकली ये कंपनीज लगाती है ताकि उन लोगों के कस्टमर्स बढ़े। वेल, मैं भी इसी तरीके को यूज करूंगा और यहाँ पर मैं फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात तो एक ही है। तो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई और उसे अपलोड करके उसके लिंक से एक QR कोड बनाया, और फिर मैं कैनवा पर गया और उधर मैंने एक बैनर का डिजाइन बनाया। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या बैनर बनाया। तो ये रहा मेरा बैनर, और इसकी जो टैगलाइन है वो मैंने एक इंस्टाग्राम के बहुत वायरल वाले मीम से कॉपी की है, और मुझे लगता है कि कोई भी इसे देख के आराम से स्कैन कर लेगा। तो अब बारी है इसे हर जगह लगाने। तो फिर अगले दिन मैंने इसके 100 बैनर्स छापे, और अब बारी थी असली काम की। फिर हम लोगों ने इन्हें हर जगह चिपकाना चालू कर दिया था, और इस पूरे काम में लिटरली 2 दिन लग गए, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बैनर्स पड़े थे इसलिए। तो अभी आ चुका हूँ मैं एक मॉल में, और हम लोग अभी सिनेमा हॉल के अंदर जाने वाले, और मैं ये वाला बैनर वहां रख के आने वाला हूँ। तो फिर मैंने मूवी के टिकट्स लिए, मैं अंदर गया, लिफ्ट बुलाई, सिक्योरिटी स्कैन करवाया, और फिर मैं पहुंचा हॉल में, और फिर मैंने अपने बैनर्स निकाले, उन्हें सीट्स पर रखा, और मैं वापस आ गया। तो अब हम लोगों ने थिएटर्स में सारे बैनर्स रख दिए, लेकिन मेरे पास अभी भी एक बैनर बचा था, इसलिए मैंने उसे भी लगा दिया। तो देखो, जैसे ही लोग सड़क पे चलेंगे और ये एक अजीब सा बैनर देखेंगे और फिर उन्हें भी लगेगा कि ये क्या है, तो फिर सबसे पहले वो उसे स्कैन करेंगे और फिर मेरी इंस्टाग्राम रील देखेंगे और फिर मुझे फॉलो करेंगे, और ये चीज होने का चांस 99% नहीं है। हाँ, मेरे को नहीं लगता ये काम करने वाला है, और मैं सही था। लिटरली ये सारे बैनर्स को लगाने के बाद मुझे मिला एक फॉलोअर। तो आज है 2रा दिन और मैं मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने वाला हूँ पेड प्रमोशन से। तो मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर गया और वहां पर बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड पेजेस ढूंढने लगा, और फाइनली मुझे एक पेज मिल गया जिसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। फिर जब मैंने इस पेज को DM किया और प्रमोशन की प्राइस पूछी, तो उन्होंने 2000 रुपीज की प्राइस दी, बट कहीं ना कहीं ये प्राइस सही थी क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो मैंने डील पक्की कर दी, मैंने उसको 2000 रुपीज भेज दिए, और फिर उन्होंने मेरी एक इंस्टाग्राम रील ली और उनके स्टोरी में पोस्ट कर दिया और मेरे पेज को शाउट आउट दे दिया। तो अब देखते हैं कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं या नहीं। तो तीसरे तरीके के लिए मैंने अपना जो QR कोड है उसका एक प्रिंट निकाला और फिर उसे एक व्हाइट टी-शर्ट के पीछे चिपका दिया। तो फिर वो टी-शर्ट मैंने पहना और एक बार बाहर जाके टेक्स्ट किया, लेकिन वो पेपर बार बार गिर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या लगा मैं सच में इतना फालतू आइडिया यूज करूंगा? ये देखो, ये रहे प्रॉपर टी शर्ट जिसपे मैंने QR कोड प्रिंट किया। फिर ये टी शर्ट लिटरली 500 रुपए का आया है, लेकिन हाँ, मैं इसी को पहन कर पब्लिक में जाऊंगा और शायद से कोई इसे स्कैन करेगा, देखते हैं क्या होता है। तो मैं गया एक मॉल में और मैं वहाँ 1 घंटे तक घूमा, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी वो QR कोड स्कैन किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं 2-3 जगह और गया, लेकिन फिर मुझे पता पड़ गया कि ये प्लान काम नहीं करने वाला है, कह सकते हैं मेरे 500 रुपए वेस्ट। और मैंने जो इंस्टाग्राम का पेड प्रमोशन करवाया था उसमें से मेरे एक रील को मिले थे 13,000 व्यूज, लेकिन मुझे मिले 2 फॉलोअर्स। अब शायद से मेरे 2000 भी वेस्ट हो गए। तो उसके बाद बारी थी एक नए तरीके की। मैं इस QR कोड के लिए इस पूरी वेबसाइट बनाने वाला था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो मैं सबसे पहले गया www.postinger.in, जहाँ पे वेबसाइट तुम लोग काफी आसानी से बना सकते हो। उसके साथ तुम्हें अनलिमिटेड SSL, फ्री ईमेल, फ्री डोमेन और भी बहुत कुछ मिलता है। तो होस्टिंगर पे पहुँचते ही मैंने सबसे पहले 139 रुपीज पर मंथ का होस्टिंगर वाला प्लान लिया, और इस प्लान की ड्यूरेशन 48 मंथ्स थी। और कमाल की बात यह है कि मुझे इस प्लान के साथ में एक फ्री डोमेन भी मिल रहा था फॉर 1 ईयर। तो प्लान ले लिया था, अब बारी थी वेबसाइट बनाने की। और इनके वेबसाइट बिल्डर से लिटरली मैंने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर बना दी।
फिर वेबसाइट में मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की, मेरा QR कोड भी डाला और फिर मैंने उसका जो लिंक है वो अपने सारे सोशल यानी कि जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा जो टेलीग्राम पेज है उधर मैंने डाल दिया ताकि जो मेरे पुराने फॉलोअर्स है वो भी इस नए पेज को फॉलो कर पे। तो अगर तुम लोगों को भी वेबसाइट होस्टिंग फ्री डोमेन ईमेल ये सब चाहिए तो होस्टिंग पे जाओ, वहाँ पर 24/7 कस्टमर सर्विस है और इवन 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है। और अगर होस्टिंग पे तुम लोग प्लान ले रहे हो तो कम से कम 12-48 months का तो प्लान लेना ही, और अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हमारा होस्टिंगर वाला प्लान काम कर गया, वेबसाइट की वजह से मुझे ऑलमोस्ट 140 फॉलोअर्स आ चुके हैं। लेकिन अब बारी है एक ऐसे प्लान की जिसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा। कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे ये वीडियो देखा जिसमें एक कंपनी फेक वॉलेट्स के थ्रू एडवर्टाइज कर रही थी। ऐसे तुम्हें दूर से लगता है कि वो कोई गिरे हुए वॉलेट्स है और उनमें पैसे हैं, लेकिन जब तुम उन्हें खोलोगे तब तुम्हें वो उनकी एड दिखेगी। तो मैंने सोचा मैं भी ये करूंगा। अब मैंने सोच तो लिया था लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल था, बट फिर मैंने वीडियो देखा और उसका डिजाइन बनाने का कोशिश किया। लिटरली बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद में 3 दिन के बाद मेरा डिजाइन तैयार हो गया। तो ये एक डबल साइड प्रिंट है और इसे फोल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये एकदम रियल दिखता है। तो ये देखो मेरा वॉलेट का डिजाइन बन चुका है। तो एक बार मैं इसको धूल रख के देखता हूँ कि क्या ये सच में एक असली वॉलेट बन रहा है। सच कहो तो ये असली लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरा प्लान काम कर गया। और मैं ये जानता हूँ कि लिटरली 99% लोग जो इसे देखेंगे 100% उठाएंगे। सीरियसली इवन मैं ठीक नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, मेरे को जरूरत नहीं है ना इन सब चीज़ों की। को नहीं तो सबसे पहले मैंने एक जगह पर ये वॉलेट रखा और थोड़ी देर बाद में एक जन आया, फिर उसने एक बार वॉलेट उठाया और उसे बराबर खोल के देखा और यहाँ तक कि उसने अपना फोन तक निकाल के स्कैन किया, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई, शायद से उसको वॉलेट पसंद नहीं आया। तो एक बार फिर हमने सेम उसी जगह पर वो वॉलेट रखा और फिर वो हमारा वॉलेट लेकर चला गया। फिर मैं एक थिएटर में भी गया और मैंने वहां पर भी अपना वॉलेट का प्रैंक शुरू किया। थोड़ी देर में 2 लोग आए, उस वॉलेट को बिना खोले ही उन्होंने साइड में रख दिया, उन्होंने उसे खोलकर देखा तक नहीं। हमने इसे रोड पर भी ट्राई किया लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहा। फिर हम लोगों ने वापिस से इसे एक बार ट्राई किया और इस बार तो फिर हम लोगों ने इसे गार्डन में ट्राई किया और इस बार हम लोग सक्सेसफुल हुए। सबसे पहले उसने उस वॉलेट को खोल कर देखा, इवन अपना फोन निकाला, स्कैन किया और उसने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया। रुको, क्या तुम लोगों को ई कॉमर्स और इंस्टाग्राम से पैसे कमाना सीखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से तुम लोग फ्री ट्यूटोरियल्स देख सकते हो इन दोनों के ऊपर, और वहां से तुम लोग मेरे कोर्स की डिटेल भी देख सकते हो। हम सच में देखा जाए तो इतना छोटा सा बैनर लिटरली कौन स्कैन करेगा, दूर से भी आप लोग इसे आसानी से स्कैन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बनाया था। स्कैन करके तो देखो, और इस बड़े पोस्टर से कोई भी नहीं बहुत दूर से भी आराम से स्कैन कर सकता है। ये वीडियो पर मैं बहुत खर्चा कर रहा हूँ, इससे कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है। और इसे मैं दीवारों पर नहीं लगाने वाला, इसे मैं ऑटो पे लगाने। तो अभी हम लोगों का ऑटो आ चुका है और अब बारी है इस बैनर को यहाँ पर लगाने की। हाँ, तो अभी हम लोग इस बैनर को इस ऑटो पे लगाएंगे और फिर ये ऑटो पूरे सिटी में घूमेगा और फिर हमें बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे। तो फिर हम लोगों ने हमारा बैनर ऑटो पे चिपकाया और फिर हमारा ऑटो निकल गया पूरी सिटी में घूमने। मुझे लगा था ऑटो का प्लान काम करेगा लेकिन वो फेल हो गया। हमारे तरीके ऑलमोस्ट सारे फेल गए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 फॉलोअर्स मिले, इसलिए तुम लोग भी फॉलो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से तुम लोग होस्टिंग भी साइट पे जा सकते हो और तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज कर भी 10% डिस्काउंट अनलॉक कर सकते हो। तो आप ही जाओ।